दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम ये सारे पटाखों का टेस्टिंग करने वाले, तो हम आपको एक एक करके सारे पटाखे हैं वो दिखाते हैं और आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप आगे किस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हो। तो हमारे पास यहाँ पर डायमंड स्पार्क्स है जो आप देख सकते हो, डायमंड्स है, छोटे छोटे नॉर्मल वाले डायमंड्स है ये। इसका टेस्टिंग करने वाले हमारे पास कोरोनेशन की सांप की गोली है, तो इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार के सांप की गोलियाँ हैं, छोटी छोटी है, इस सबका टेस्टिंग करने वाले। हमारे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड की चक्रिया है, तो यही है जो स्टैंडर्ड की चक्रिया, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड की चक्रिया काफ़ी अच्छी घूमती है, इसका टेस्टिंग करने वाले। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो बीड़ी बम आते हैं छोटे बच्चों वाले, माचिस बम भी बोलते हैं इसको, और इसको पानी वाला भी बम बोलते हैं। हमारे पास थोड़ा पानी भी है तो उसके अंदर भी फोड़ के हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पर पेंटा फोर्स वाला ये स्काई शॉट है, छोटे छोटे स्काई शॉट है, आप देख सकते हो, ये स्काई शॉट का टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर छोटी छोटी लड़िया है, आप देख सकते हो, इसका भी टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर गोल्डन विंग्स वाला ये स्काई शॉट है, तो ये स्काई शॉट का टेस्टिंग करेंगे, मीडियम साइज़ वाला है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नैनो बम है, आप देख सकते हो ये नैनो बम है, तो इसके अंदर आवाज़ भी सुन सकते हो आप। तो बेसिकली इसके अंदर एक छोटा सा सुतली बम होता है और उसी के साथ छोटे छोटे ब्लैक कलर के दाने होते हैं जो थोड़ा ग्रीन कलर में कलर करते हैं, जैसे कि ये बम फटेगा और ग्रीन कलर का कुछ बिखरेगा, जैसे कि स्काई शॉट में होता है उस प्रकार का ये होने वाला है। तो इसका भी हम टेस्टिंग करने वाले हैं। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो लिंगा 1000 की लड़ी है, तो 1000 की लड़ी का भी हम टेस्टिंग करने वाले हैं, इसका भी हम टेस्टिंग करेंगे। चलिए तो फिर जल्दी से हम ये सारे पटाखों का है जल्दी से टेस्टिंग करते हैं। हम सबसे पहले इस सांप को जलाएंगे, उसके बाद हम डायमंड को जलाएंगे, और क्या करेंगे कि डायमंड के ऊपर एक सांप को रख के सांप को जलाएंगे, देखेंगे उसकी आग की वजह से डायमंड जलता है या नहीं। चले तो फिर हम जल्दी से टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। तो टेस्टिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 1000 की ये लड़ी है इसको भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि क्या है, कैसी है अंदर से, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। तो यहाँ पर टेप वेप लगी हुई है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करो। तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से कागज के अंदर है, और कुछ इस प्रकार की है हमारी लड़ी, और इसका फ्यूज भी देख सकते हो कितना बड़ा है, और यहाँ पर हमारी लड़ी है कुछ इस प्रकार की है। चले तो फिर अब जल्दी से हम सारे पटाखों का टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो बनाते वक्त जो ग्रीन वाला जो नैनो बम था उसके अंदर से कुछ ये ब्लैक कलर के है जो दाने हैं वो यहाँ पर गिर गए थे उसके अंदर से, तो हम यहाँ पर ये दानों को कुछ इस प्रकार से रख देते हैं, और हमारे सांप का टेस्टिंग करना है तो ये सांप को भी हम जलाते हैं। तो एक पैकेट के अंदर करीबन 5 गोलियाँ हैं, तो कुछ इस प्रकार से इसको सेट करेंगे कि ये सांप जलते जलते उस दानों के पास चला जाए और कुछ देखने को मिले कि वो दाने हैं वो किस प्रकार से जलते हैं। तो हमने कुछ इस प्रकार से तो रख दिया है, अब सांप को जला के देखते हैं, सांप भी हमारे कैसे जलते हैं वो भी देखेंगे, और साथ ही साथ थोड़े ब्लैक कलर के दाने भी देख लेते हैं। तो हमारा सांप है वो जलने लगे हैं, और ब्लैक कलर के दाने के पास पहुंच रहे हैं, ओ वाओ, आपने देखा कि किस प्रकार की ग्रीन कलर की है जो फ्लेम निकली है, और हमारे सांप भी काफी अच्छे जल रहे हैं, और कुछ सांप है जो नीचे भी जल रहे गिर के, कुछ यहाँ पर भी आके गिरे और जले हैं, और ये सांप देखो आप किस प्रकार से अच्छे से जला है। चले तो अब नेक्स्ट आइटम को जला के देखते हैं। अब डायमंड को जलाते हैं, इसके ऊपर का थोड़ा सा रैपर है हम निकाल देते हैं। तो चले इस दो डायमंड को जला के उसके बाद हम डायमंड के ऊपर स्नेक को रख के जलाएंगे और देखेंगे हमारे स्नेक से डायमंड जलता है या नहीं। और यहाँ पर हवा काफ़ी तेज़ है इसलिए लाइटर भी हमारा नहीं जल रहा है। हमारा डायमंड भी जल गया है, काफी अच्छा जल रहा है,
और आप देख सकते हो किस प्रकार से लावा जैसा हो गया है। चलिए तो अब डायमंड के ऊपर हम स्नेक को रख के जला के देखते हैं कैसा होता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक डायमंड है जो हमने ले लिया है और उसके ऊपर रखते हैं हम सांप की खोलिया और देखते हैं कैसा होता है। तो दो ही सांप की गोलियां रखेंगे और देखेंगे हमारी दो सांप की गोलियों से हमारा डायमंड जलता है या नहीं। तो हमारा सांप तो है जल गया है और सांप नीचे गिर गया है। काफी तेज हवा है और यहाँ पर दूसरा भी हमारा सांप जला दिया है और देखते हैं डायमंड जलता है या नहीं उससे। और हवा काफ़ी तेज़ है। चलिए हम तीन रख देते हैं सांप की गोलियाँ और हमारे सांप जल रहे हैं। पर डायमंड अभी तक जला नहीं है और डायमंड पूरा ब्लैक हो गया है पर अभी तक डायमंड जला नहीं है। तो सांप पूरे जल गए हैं, डायमंड अभी तक भी जला नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम डायमंड को ही जला देते हैं। इस सांप को हटा देते हैं और यहाँ पर हम डायमंड को जला देते हैं। हवा काफी तेज है यहाँ पर। और डायमंड जला है यहाँ पर। और पूरा लावा हो गया है। हमारे पास यहाँ पर एक सांप की गोली बच गई है तो इस लावे को ऊपर डाल के देखते हैं हमारी ये सांप की गोली। और ये सांप भी है जो जल रहा है। और आप ये लावा को भी देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट आइटम को जला के देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर बीडी बम है, माचिस बम है, इसको फोड़ के देखते हैं। तो चलिए एक लिया है और डालते हैं। हमारे पास यहाँ पर पानी भी है, देखते हैं ये पानी में वर्क करता है या नहीं। और ये पानी में गया है और काफ़ी तेज़ फटा है और उस जगह की मिट्टी भी आप देख सकते हो काफ़ी तेज़ फटा है। चलिए तो चक्री को जला के देखते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टैंडर्ड की चक्री को जला के देखते हैं। हमारी ये स्टैंडर्ड की चक्री काफी तेज जलती है। चलिए इसको जला के देखते हैं ये कैसी जलती है अभी। काफ़ी तेज़ जली है हमारी चक्री और काफ़ी लंबे टाइम तक जली, अभी भी घूम रही है हमारी चक्री। चलिए तो अब हम एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक चक्री को रखते हैं और उसके आजू बाजू हम दो बॉटल रखते हैं प्लास्टिक की और देखते हैं चक्री से हमारी प्लास्टिक की बॉटल की क्या हालत होती है। चलिए तो इस प्रकार से जला के देखते हैं। तो कर दिया हमने दोनों को सेट। जैसे कि आप देख सकते हो दो प्लास्टिक की बॉटल है और यहाँ पर चक्री है। चलिए इस चक्री को जला के देखते हैं प्लास्टिक की बॉटल का क्या होता है। और जल गई है चक्री। और काफी जबरदस्त घूमी है और हमारे यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल भी आप देख सकते हो क्या हालत हो गई है सिर्फ एक चक्री से। चलिए और एक चक्री को रखते हैं और कुछ इस प्रकार से बॉटल हिलेगी नहीं, बैन हो गई है तो हिलेगी नहीं। चलिए और एक चक्री को जला के देखते हैं। तो चक्री को हमने थोड़ा नज़दीक रखा है बॉटल से
और चक्री जल गई है। और घूम भी रही है हमारी चक्री। और दोस्तों हमारी बोतल की थोड़ी हालत देख लो आप, क्या हालत हो गई है बोतल की। मज़ा आ गया इसको देख के, तो सिर्फ दो चक्री से इतना हो गया है। चलिए तो अब आगे की हम सारी आइटम है उसको जला के देखते हैं। तो चलिए अब इस छोटी वाली लड़ी को जला के देखते हैं। छोटी है पर इसका आवाज़ काफ़ी अच्छा है। चलिए इसको जला के देखते हैं। तो चलिए अब नैनो बॉम्ब को जला के देखते हैं हमारा ये नैनो बॉम्ब कैसा दिखता है। थोड़ा अंधेरा हो चुका है तो चलिए फोर्स पेंटा स्काई शॉट को जला के देखते हैं कैसा जलता है। हो गया है तो हम इस हिंदुस्तानी वाले स्काई शॉट को जला के देखते हैं स्काई शॉट कैसा चलता है। तो सबसे पहले हम इस लड़ी को जला के देखते हैं हमारी ये लड़ी कैसी जलती है। चलिए जला के देखते।